अलग-अलग लोग मुझे अलग-अलग नाम से जानते थे, नूर, नौरा, मैडलिन। भेस बदलने के बाद मैं खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाती थी। पेरिस में धीरे धीरे मेरे सभी कॉलीग्स गस्टापो के शिकंजे में आ चुके थे। फ्रेंच रेजिस्टेंस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच अब मैं एक अकेली कड़ी बची थी। जर्मन सोल्जर्स मेरी तलाश में थे और कोने कोने में खतरा मंडरा रहा था। जील मेरा लोकल कांटेक्ट था, पर मुझे नहीं पता था कि नाजी सोल्जर्स जील तक पहुंच चुके हैं और मुझ तक पहुंचने ही वाले हैं। नूर इनायत खान मैसूर के महाराजा टीपू सुल्तान की वंशज थी। टीपू सुल्तान सन 1799 में ब्रिटिश के हाथों मारे गए थे। नूर की माँ ब्रिटिश थी पर अमेरिका में पली बढ़ी थी। उनका नाम ऑरा बेकर था। ऑरा इनायत खान से एक सूफी लेक्चर के दौरान अमेरिका में मिली थी और उन दोनों में प्यार हो गया था। उनकी शादी 1913 में हुई और नूर इनायत खान का जन्म उसी साल दिसंबर में हुआ। फ्रांस की सरहदों पे वर्ल्ड वॉर टू के काले बादल मंडरा रहे थे और फ्रांस जर्मनी की नाजी हुकूमत के सामने घुटने टेकने ही वाला था। जर्मन्स के पेरिस तक पहुंचने से पहले हम सब ने वापस लंदन जाने का डिसीजन लिया, अपना पेरिस का घर फजल मंजिल छोड़कर। जर्मनी ने 10 मई 1940 को फ्रांस पर हमला किया। लड़ाई 6 हफ्ते चली और पेरिस ने 14 जून 1940 को बिना एक भी गोली चलाए जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए। फ्रांस को एक नया राष्ट्रपति मिला, मार्शल पतैन, जो 84 साल का था और पहले विश्व युद्ध में भाग ले चुका था। उसने हिटलर के साथ 22 जून 1940 को फॉरेस्ट ऑफ कॉम्पेन में युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये जगह ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान यहीं पर जर्मनी ने फ्रांस से हार मानी थी। नूर और हर ब्रदर विलायत को एक डिसीशन लेना पड़ा कि हम क्या करेंगे। अभी पेरिस इन्वेड हो जाएगी, क्या हम यहीं पे बैठे रहेंगे इन फजल मंजिल। और दोनों ने ये डिसाइड किया कि इवन दो वी आर सूफीज और हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि हम यहाँ बैठे रहें एंड वी लेट दिस एनिमी ऑक्यूपाई अस। मेरे अब्बू इनायत खान ने पूरी उम्र मॉस्को, लंदन और फिर फ्रांस में काट दी, पर आखिरी सांस अपने वतन इंडिया में ली। आज अब्बू बहुत याद आ रहे थे, बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे। अब अब्बू तो थे नहीं, पर उनकी सुनाई कहानियां थी, इंडियन कहानियां। मैं जतका टेल्स को इकट्ठा कर बच्चों के लिए किताब भी छपवा चुकी थी। मैं एक राइटर बनना चाहती थी, लेकिन फ्रांस की हार से जिंदगी ने ऐसा रुख लिया कि मैंने अपने सपने मोड़ के वापस रख दिए। फजल मंजिल कई सालों तक हमारा घर था, पर अब्बू हमेशा कहा करते थे, हम टीपू सुल्तान के वंशज हैं, घरों से नहीं आदर्शों से लगाव रखना चाहिए। पर मैं अपना दिल फ्रांस में ही छोड़े जा रही थी। मुझे तब नहीं पता था कि मुझे जल्द ही यहाँ वापस आना होगा।
दो भाई बहन ये डिसीशन लेते हैं कि हम इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में हम वॉर एफर्ट में वॉलंटियर करेंगे और जैसे भी हो हम फाइट करेंगे, ये फैशिज्म, ये नाज़िज़्म, ये फोर्स, ये जर्मन ऑक्यूपेशन, इसको हम फाइट करेंगे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। हम लोग लंदन वापस लौट आए, पर ये हमारे बचपन का लंदन नहीं था, ये ब्लिट्ज का टाइम था। लंदन का कोना कोना जल रहा था और देश टूटने की कगार पे खड़ा था। कभी कभी लगता कि लंदन की हिम्मत जवाब दे जाएगी और वो भी थक के जर्मन्स के आगे घुटने टेक देगा। लंदन के लोगों की आंखों में भी एक सूनापन आ गया था। ब्लिट्ज 7 सितंबर 1940 को शुरू हुआ लंदन में। ब्रिटिश शहरों पर जर्मन्स की हवाई बमबारी को ही ब्लिट्ज कहते थे। लंदन में 76 रातें लगातार ये बमबारी हुई और लंदन के लोग कई बार अपने बचाव के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशंस में पनाह लेते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्म्ड फोर्सेस में लोगों की सख्त जरूरत थी। लंदन में जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं भी वाफ में अप्लाई करूंगी। मेरी पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कारण, मैं फ्रेंच नागरिक थी, मॉस्को में पैदा हुई थी और नाम इंडियन था। मैंने भी हवा की तेजी में बहके ब्रिटिश गवर्नमेंट से सवाल किया कि मैं एक ब्रिटिश माँ की बेटी होके और ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन का पासपोर्ट लेके ब्रिटिश कैसे नहीं हुई। जवाब तुरंत आया, साथ में इंटरव्यू का कॉन्फर्मेशन लाया। She knows कि इंडिया में at this time 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, all the leaders, गांधी, नेहरू, everybody has been put into jail, and she is very aware, say, you know, they are a political family, they know कि क्या हो रहा है, and she is, this interview then she has is very interesting, she is asked, नूर से पूछा गया इस वक्त कि will you support those leaders in India who are opposed to the British? और नूर एकदम फट से रिप्लाई देती है कि एट दिस मोमेंट, शी सेज, एट दिस मोमेंट व्हेन द वॉर इज ऑन एंड द फाइट इज ऑन अगेंस्ट फैशिज्म, जब फैशिज्म के खिलाफ ये युद्ध, इतना इम्पोर्टेंट युद्ध चल रहा है, इस वक्त मेरा फोकस है कि मैं ब्रिटिश को सपोर्ट करूँगी, बट द मोमेंट द वॉर इज ओवर आई विल सपोर्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। और वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को विदाउट हेजिटेशन फ्रैंकली ये आवाज़ देती, यू नो, ये बोल देती है, एंड दे आर शॉक्ड। अबू कहते थे सच बोलना कभी गलत नहीं होता। मेरा नाम किताबों और अखबारों में तो नहीं छपा, पर अब मेरे सीने पे मोहर बन चुका था। मैं नूर इनायत खान से नोरा बेकर बन गई। ये नाम आने वाले दिनों में कई बार बदलने वाला था, कभी नूर, कभी नोरा, तो कभी सीक्रेट एजेंट मैडलिन। पहली बार इस लाइफ में शी बिकम्स अ नंबर, एयरक्राफ्ट्स वुमन नंबर समथिंग, शी हैज अ हैट एंड शी हैज अ वाफ यूनिफॉर्म एंड शी एक्चुअली लव्स इट, क्योंकि ये सडनली एक फ्रीडम मिल गई है इन अ वे। वो सूफी माहौल जो इतना प्रोटेक्टेड एटमोसफियर था, शी वॉज हज़रत इनायत खान डॉटर, एल्डेस्ट डॉटर बाबूली, पीरजादी नूर इनायत खान, वो पूरा वो लाइफ, वो ज़िंदगी से एक तरफ से एक फ्रीडम भी मिल गई कि मैं एकदम अनोनिमस हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं, मैं एक नंबर हूँ। और मैं दूसरी और इतने लड़कियों के साथ, यंग गर्ल्स के साथ, आई एम इन दिस एफर्ट, एंड शी वॉज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात लियो मार्क से हुई, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे। मार्क्स एक बहुत पेशेंट टीचर थे और हर सवाल का जवाब बड़े आराम से देते थे। हमें वायरलेस ऑपरेटर्स बनने की ट्रेनिंग दी गई, प्लॉटिंग करना और मोर्स कोड भी सिखाया गया। मेरे लिए ये सब एक नया एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहली बार जिंदगी में एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ।
जो महिलाएं वाफ की सदस्य थी वो बहुत सारे अलग अलग काम करती थी। वो बैरिज बलिनिस थी, यानी सेना के प्रतिष्ठानों को बमबारी से बचाने के लिए जो बड़े बड़े हॉट एयर बैलून्स खड़े किए जाते थे उन्हें मैनेज करती थी। ये महिलाएं प्लॉटर्स भी थी, ये जर्मन सेना की लोकेशन प्लॉट करती थी और इनमें से कुछ महिलाओं को वायरलेस ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। मैंने ये खुशखबरी खत के जरिए अम्मी को बताई। अम्मी को अपनी नई जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया, पूरे दिन का रूटीन। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे जैसे इंडियंस वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, उनके सोल्जर्स बनेंगे, उनकी सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, तो बदले में उन्हें इंडिया को आजादी देनी ही पड़ेगी। अब्बू इस बात से जरूर सहमत होते। वाफ की ट्रेनिंग के बस थोड़े ही दिनों बाद मुझे एसओई के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत खास और खुफिया ऑर्गेनाइजेशन थी और मेरी टीम से सिर्फ मुझे ही यह चांस दिया गया। एसओई एक ब्रिटिश संस्था थी जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1940 को हुई थी, खासकर यूरोप में कोहराम मचाने के लिए। ये एक मौका था उन देशों के लिए जिन्हें जर्मनी ने अपने अधीन कर लिया था, इस जबरदस्ती का मुंह तोड़ जवाब देने का। ये लंदन की तरफ से पहल थी कि जब ब्रिटिश और अमेरिकन जर्मन्स के खिलाफ हमला करें तो इन देशों में पहले से लोग मौजूद हो जो उनकी सहायता करें। एसओई की इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि अगर मुझे अंडरकवर एजेंट बनाकर पेरिस भेजा जाए तो क्या मैं जाऊंगी। ये एक बहुत ही डेंजरस मिशन होगा। समहाउ मैंने एकदम से हाँ कह दिया। उसमें इंटरव्यू में इट्स जस्ट अ स्मॉल रूम एंड शी इज टोल्ड दैट यू आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड, यू आर गोइंग टू बी सेंट टू फ्रांस ऑन अ सीक्रेट मिशन। कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, नो प्रोटेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, बिकॉज खुफिया एजेंट बन के फ्रांस जाना है और अगर पकड़े जाओगे तो एजेंट्स के लिए कोई रिहाई नहीं होती है। देर इज़ नो प्रिजनर ऑफ वॉर, नो जेनीवा कन्वेंशन, स्पाइज आर शॉट, सो इफ यू आर कॉट यू आर गोइंग टू बी शॉट। एंड शी सेज आई विल गो, यस आई विल। एसओई की ट्रेनिंग के दौरान हमें कोडेड मैसेजेस भेजना और रिसीव करना सिखाया गया। मैसेजेस कोड और डीकोड हम एजेंट्स को ही करने होते थे, मतलब कि हर मैसेज को डीकोड करने के लिए एक की या इन अ वे पासवर्ड बनाना पड़ता था। ये एक नई भाषा थी जिसमें लेटर्स की जगह डैश और डॉट्स यूज होते थे। मैंने अपनी ही लिखी एक कविता को कोड की बनाया। ये मुश्किल तो था लेकिन मजेदार भी। मेरे अंदर की राइटर को एक नई भाषा में सीक्रेट मैसेजेस लिखने का मौका मिल गया था। जिनका चयन किया गया उन्हें तरह तरह का प्रशिक्षण दिया गया। प्रारंभिक प्रशिक्षण के तौर पे उन्हें हथियार इस्तेमाल करना सिखाया गया, थोड़ा मॉर्स कोड और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज। वहाँ से पास होने के बाद अगर उन्हें इस लायक समझा जाता तो उन्हें स्कॉटलैंड के एक स्कूल में भेजा जाता जहाँ उन्हें पैरामिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ उन्हें हर हालात में खुद को जिंदा रखना सिखाया जाता था। वहाँ से वो रिंगवे एयरपोर्ट जाते मैनचेस्टर और फिर इंग्लैंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में जहाँ उन्हें पैराशूट ट्रेनिंग दी जाती जिससे कि वो वक्त आने पर हवाई जहाज से कूद सकें। उसके बाद उन्हें अंतिम प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता था जहाँ कुछ और वायरलेस ट्रेनिंग होती थी और अंत में उन्हें एजेंट नियुक्त किया जाता था। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई बार नकली इंट्रोगेशन से गुजरना पड़ता था ताकि वो अनुभव कर सकें कि एक अधिकृत देश में रहना कितना मुश्किल है। गस्तापो से लड़ने के लिए डर को काबू में करना जरूरी था, पर मैं तो गस्तापो की रेड्स के ट्रेनिंग सेशंस में ही ऐसी बिखर जाती थी कि मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर्स को लगता था कि अगर वाकई में मुझे कभी गस्तापो ने पकड़ लिया तो मैं टिक नहीं पाऊंगी।
मुझे पता था कि मैं अपनी असेसमेंट में फेल हो जाऊंगी, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। नूर के बारे में उसके इंस्ट्रक्टर्स ने काफी आलोचनात्मक रिपोर्ट्स लिखी। एक ने कहा कि उसका मिजाज इस काम के लिए ठीक नहीं है। किसी ने लिखा कि वो हथियारों से डरती है, वो किसी भी हाल में किसी को भी जान से मारना नहीं चाहती थी। शायद उसे जो झिझक थी हथियारों को लेकर, वो इसी वजह से थी। मेरे ऑफिसर्स मुझे कमजोर और डरी हुई मानते थे। वो गलत नहीं थे, पर पूरी तरह सही भी नहीं। मैं कमजोर और डरपोक थी, लेकिन गद्दार नहीं। और वक्त आने पे मैं उन्हें ये साबित कर दिखाना चाहती थी। मैं खोई खोई भी थी, पर आजादी ढूंढ रही थी। नूर वॉज एन अनलाइकली स्पाई। शी कुडंट लाई। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, और ये इसलिए था बिकॉज हर फादर ऑलवेज टोल्ड हर, यू नो, डोंट टेल अ लाई, एंड शी वॉज अ सूफी, यू डोंट टेल अ लाई। So the problem was that this is going to conflict with her work as a spy. Uske paas to ek false identity hai, ek false papers hai hamesha, to jhooti bolna hai, you know, jhoot ke cover leke ek sab kuch kaam karna pad raha hai. But she was okay with that. It's just face to face wo kabhi jhoot nahi bol sakti thi. मेरी सब कमजोरियों के बावजूद मुझे लियो मार्क्स ने एक और मौका दिया। उन्होंने मुझे 250 कैरेक्टर्स का एक मैसेज बनाने को कहा। मैंने मैसेज तो जल्दी बना लिया, पर नर्वसनेस में उसे ठीक करने लगी। उन्हें मैसेज दिखाने से पहले ही मैं सोचने लगी वो देखकर क्या बोलेंगे, इसीलिए बार बार उसे फिर से लिख रही थी। मैंने उन्हें मैसेज दिखाया और फिर इंतजार करने लगी कि वो क्या कहेंगे। मार्क्स ने फिर मुझे मेरी गलतियां एक अनोखे अंदाज में समझाई। वो खुद एक शौकिया राइटर थे और उन्होंने मुझे एक राइटर की तरह ही समझाया। लियो मार्क्स इज आल्सो वेरी पेशेंट विद हर। ही इज बीन टोल्ड दैट दिस इज अ वेरी इज अ सूफी प्रिंसेस हु इज कम, ये बहुत हेड इन द क्लाउड्स है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। हाउ इज शी गोइंग टू बी अ स्पाई, प्लीज हैंडल हर केयरफुली बिफोर शी गोज टू द फील्ड। सो ही टेक्स हर जातका टेल्स, और उसमें एक स्टोरी है अबाउट मंकीज। मेरी ही जतका टेल्स की कहानी का एग्जाम्पल लेके उन्होंने मुझे बंदरों के सरदार की वो कहानी सुनाई जिसमें वो सरदार दोनों पहाड़ों के बीच एक ब्रिज बन के लेट गया और अपनी सेना से कहा कि उसके ऊपर चढ़कर पुल पार करो। ये सैक्रिफाइस करके उसने 80,000 बंदरों की जान बचाई। लियो मार्क्स ने मुझसे कहा कि मेरे कोड्स भी एक ब्रिज है, अगर मैंने गलत कोड भेजा तो मैं किसी को खतरे में डाल दूंगी। मुझे वो बंदर बनना पड़ेगा जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। ये बात मेरे दिल को लग गई। मैंने डिसीजन लिया कि मैं कभी कोई गलत कोड नहीं भेजूंगी। मार्क्स ने मुझसे ये भी कहा कि मैं कभी अपने मशीन से 18 कैरेक्टर्स का कोड ना भेजूं। ये एक अलार्म सा रहेगा, और जिस दिन उन्हें मेरी मशीन से 18 कैरेक्टर्स का कोड मिले तो वो समझ जाएंगे कि मैं खतरे में हूं। And actually when she goes to the field, wo jab field mein jaati hai, her messages are absolutely, you know, precise, correct, no mistakes, and they are so impressed. Aur phir ek din main ek bar phir Paris wapas ja rahi thi. Meri manzil thi 40 Rue Erlanger, Paris. She's only allowed to carry one pistol, few French francs, jo paise hain French francs, a map of Paris, and she has to leave ek night flight pe
वो एजेंट्स पेरिस जाते हैं, तो ये नाइट फ्लाइट एक छोटा सा प्लेन है, इसका नाम था लाइसेंडर। ये लाइसेंडर सिर्फ चांदनी रात को फ्लाई करती है क्योंकि इट हैज़ टू लैंड, सो दैट चांदनी रात में ये लैंडिंग फील्ड जो है ये एकदम क्लियर है, कोई स्पॉटलाइट्स की ज़रूरत नहीं है। सो फुल मून नाइट्स में ये प्लेन्स एजेंट्स को ले कर पेरिस जाती है, एंड दिस सो शी इज़ फ्लाइज ऑन अ फुल मून नाइट इन जुलाई टू पेरिस, and there in the field there is a the people who are going to receive her jo unke milne ke liye wait kar rahe hain wo ek l shape form mein flares leke khade rehte hain aur morse code flash karte hain, and that's when the pilot knows he can get in there. So it was all very dangerous, and they go in there, he lands, the agents are out, and they have to make their own way. Cycle wahan waiting agents unhe cycle pakra dete hain, here's a map, here's a cycle. मैं बताए गए एड्रेस पे पहुंची। मुझे बोला गया था किसी ओल्ड लेडी से मिलना है, लेकिन दरवाजा खोला एक यंग मैन ने। गैरी बहुत मजाकिया किस्म का आदमी था। थोड़ी देर मेरी टांग खींचने के बाद उसने मुझे अंदर बुला लिया और मेरी मुलाकात हुई उसकी बहन रेने से। गैरी और रेने दोनों फ्रेंच रेजिस्टेंस के मेंबर्स थे और ब्रिटिश स्पाइस के साथ मिलकर काम करते थे। फ्रांस में युद्ध विराम साइन करने के तुरंत बाद ही प्रतिरोध शुरू हो गया था। पहले पहले लोग अकेले ही कहीं ना कहीं प्रतिरोध करते, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों ने गुट बनाए और अलग अलग तरीकों से जर्मन हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। छोटे गुट न्यूज़पेपर्स और लिफलेट्स छापने लगे और बांटने लगे। थोड़े समय बाद यह आंदोलन बड़े स्तर पर जर्मनी की जड़ें हिलाने लगा। बीबीसी जो ब्रिटिश संस्था है उसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। बाद में अमेरिकन्स भी इस उद्देश्य के साथ जुड़ गए और मिलके उन्होंने फ्रेंच प्रतिरोध के हाथ मजबूत किए। गैरी और रेने ने मुझे फ्रांस में हो रही सभी एक्टिविटीज पर अपडेट किया। उस दिन फ्रांस में एक बीबीसी प्रोग्राम के दौरान वायरलेस डिकोडर्स ने ये मैसेज डिकोड किया, आज रात जैस्मिन फ्लूट बजाएगी। ये मैसेज उस रात हमारे फ्रांस पहुंचने का पैगाम था। गैरी और उसकी बहन रेने मेरे अच्छे दोस्त बन गए। गैरी ने ही मुझे मेरा कोड नेम दिया, मैडलिन। इन दोनों से मुझे वो इमोशनल सपोर्ट मिला जो पेरिस में मेरे लिए बहुत जरूरी था। SOE के फ्रेंच एफ सेक्शन में काफी सारे सर्किट्स थे। एक सर्किट में एक पुरुष ऑर्गेनाइजर होता था, एक वायरलेस ऑपरेटर जो कि अधिकतर पुरुष ही होते थे, पर बाद में महिलाएं भी वायरलेस ऑपरेटर बन गई और कुरियर्स भी। 1943 में पेरिस का सबसे बड़ा गुट प्रॉस्पर सर्किट था। उसके ऑपरेटर्स काफी बड़े इलाके में फैले हुए थे, इसीलिए कभी ना कभी उनका पकड़ा जाना तय था। आखिर यही हुआ 24 जून 1943 को। तब नूर को पेरिस आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। जुलाई तक पेरिस में सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर बचा था, मेरा। खतरे का एहसास मेरे आसपास हर एक पल था, पर अभी डर के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। लियो मार्क्स को प्रॉस्पर सर्किट के खत्म होने की इंफॉर्मेशन मैंने ही दी। उन्होंने मुझसे तुरंत वापस आने को कहा, पर मैं अभी अभी तो आई थी, और फिर मैं अकेली वायरलेस ऑपरेटर बची थी पेरिस में। मैंने लियो मार्क से कहा कि मैं दूसरा सर्किट बनाने में उनकी मदद करूंगी। लियो मान तो गए, पर वो जानते थे कि मैं बहुत जोखिम में थी। Despite the
नूर स्वभाव से काफी नर्म दिल थी और उसके इंस्ट्रक्टर्स ने भी इसकी काफी आलोचना की थी। फिर भी जून से लेकर अक्टूबर तक नूर ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। वो पेरिस और लंदन के बीच एक अकेली कड़ी थी और उसी ने प्रॉस्पर सर्किट की तबाही और अन्य हालात की खबर दी। उसने लंदन वापस जाने से मना कर दिया, जबकि वो जानती थी कि कभी ना कभी वो खुद भी पकड़ी जाएगी। मेरे हिसाब से ऐसा कर पाना बहुत बहादुरी का काम था। इससे उसके चरित्र और उसके परवरिश के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। वो बहुत बहादुर थी। जुलाई से अक्टूबर के बीच मैंने 6 ऑपरेटर्स के बराबर काम किया। पेरिस से मैं अकेली ऑपरेटर काम कर रही थी। जर्मन्स को अब सिर्फ एक ऑपरेटर के ट्रांसमिशंस डिटेक्ट करने थे। खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और गस्तापो का शिकंजा कसता जा रहा था। तब भी हर शाम लंदन 1500 GMT यानी दोपहर 3 बजे मेरे मैसेजेस का वेट करता। नूर को पता था कि एब्वेयर और गस्तापो, जो जर्मन काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके बारे में जानते हैं। उन्हें उसका कोड नेम मैडलिन भी पता था। उन्हें पता था कि ये ऑपरेटर एक औरत है, इसलिए नूर ने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। उसने पहले अपने बाल रेड डाई किए और बाद में ब्लॉन्ड। चलते वक्त लियो मार्क्स ने रस्म के तौर पर एक सोने का कॉम्पैक्ट दिया था। ये एक ऐसा शीशा था जिसे उन दिनों फैशनेबल औरतें अपने पर्स में रखती थी। इतना महंगा शीशा मार्क्स ने शायद इमरजेंसी के लिए दिया था कि किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो इसे बेच के गुजारा कर सकूं। वायरलेस ऑपरेटर्स को सलाह दी गई थी कि कोई भी ट्रांसमिशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जर्मन्स के पास डायरेक्शन फाइंडिंग वैन्स थी जो वायरलेस सेट्स लोकेट कर सकती थी। अगर ट्रांसमिशन 15-20 मिनट से ज्यादा चले तो जर्मन्स ऑपरेटर को अरेस्ट कर सकते थे। गस्तापो के पास ऐसी मशीन थी जिससे वो मुझे ट्रांसमिशन के तुरंत बाद खोज निकाल सकते थे, इसलिए हर ट्रांसमिशन के बाद मैं वायरलेस सेट लेके पार्क चली जाती थी। नूर ए वायरलेस ऑपरेटर थी, तो वायरलेस ऑपरेटर्स का सबसे डेंजरस जॉब था ये वॉर में। शी हैड टू ट्रांसमिट ऑल द मैसेजेस, और ये एक्चुअली ये ट्रांसमिशन ही बहुत डेंजरस थी, क्योंकि ये बॉक्स जो वो लेके घूमते थे वो एक ब्रीफ केस जैसा था एंड इट वेट अबाउट 15 kilos, और ये लेके उन्हें चलना पड़ता था। सो दे कुड बी स्टॉप्ड एनी टाइम कि इसमें क्या है, अगर पकड़े गए कि वायरलेस है तो फिर दैट्स इट, योर शॉट। एक दिन मैं वायरलेस सेट के साथ पार्क में आके बैठी ही थी कि मुझे 2 पुलिस वालों ने पूछा कि ब्रीफकेस में क्या है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मेरे सर्किट का नाम था सिनेमा। मैंने कहा सिनेमा की मशीन है, आप चाहें तो मैं खोल के दिखा देती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने मुझे जाने दिया। Through the wireless, through her transmissions, she is organizing arms drops, कि कहाँ arms drops करेंगे लंदन से आके, कैसे पैसे देंगे to the French resistance. She's arranging meetings, she's meeting people, you know, X marks the spot करके, X में meet करके किसी को पैसे दे रही है. So she's acting as both as a courier and as a secret, as a radio operator. So all these dangerous things she's doing single-handed. Our radio operators ka life expectancy sirf 6 weeks tha. They were losing them rapidly. Isiliye Noor is actually the first woman radio operator. Ye itni dangerous operation thi ki before Noor ye sirf aadmi karte the.
जील हमारे सर्किट का कुरियर था और बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। आज के पहले उसने कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि आखिर वो क्यों नहीं आया। मैंने चिंता में उसे फोन लगाया। जील की आवाज कुछ बदली बदली सी थी, पर पता नहीं क्यों मैंने शक नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि वो फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। उसने मुझे एक नई जगह मिलने को बुलाया, एक नए टाइम पर। मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। मैं बताई जगह पर जील से मिलने पहुंची। मुझे क्या पता था कि मुझे पकड़ने के लिए नाज़ी अफसरों का बिछाया हुआ एक जाल था। She was a fast runner, तेज दौड़ सकती थी। So very often she would outrun, उसे पता चलता था somebody is following me, and she would just run through the gullies, और पहचान थी उन्हें ना, छोटा छोटा all the gullies of Paris, so she would just outrun them, and she would escape. अब वो मेरा चेहरा सामने से देख चुके थे। मेरे पेरिस छोड़ने का वक्त आ गया था। लियो मार्क्स ने भी मुझको तुरंत वापस आने की अनुमति दे दी। लंदन वापस लौटने की खबर मैंने जाके गैरी और रेने को बताई। पेरिस में मेरा और कोई था भी तो नहीं। गैरी ने कहा कि वो दोनों भी मुझे बहुत मिस करेंगे। ये मेरी बदकिस्मती थी कि जाने के ठीक दो दिन पहले मुझे गस्तापो ने मेरे ही घर में पकड़ लिया। पकड़े जाने के लिए तो मैं तैयार थी, टूटी तो इस बात से थी कि मुझे पकड़ाने वाली थी मेरी दोस्त और गैरी की बहन रेनी। उसने कुल 1,000 फ्रैंक्स के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन गस्तापो को दे दी थी। बेवकूफ नहीं जानती थी कि मेरी इन्फॉर्मेशन की कीमत 1,00,000 फ्रैंक से भी ज्यादा थी। And she enters her flat at the, you know, in the evening, and there is somebody there waiting for her. And she puts up a fight. She bites him and she kicks him, and he can't even arrest her on his own. He just, he points a pistol at her and dials for help. He has to call his headquarters and says, "Send more men." Then more men come, and then they take Noor. ऐसा समझा जाता है कि नूर को रेने गैरी नाम के एक औरत ने धोखा दिया और पकड़वा दिया। वो नूर के ऑर्गेनाइजर की बहन थी और उसे जलन थी कि नूर और उसका भाई बहुत ज्यादा समय एक साथ बिताते थे, और मुमकिन है कि नूर की फ्रांस एंटन नामक एसओई एजेंट के साथ दोस्ती थी, जो शायद पहले रेने गैरी के साथ था। तो जेलेसी के कारण उसने नूर को पकड़वा दिया। उसको ऐसा करने के लिए बहुत कम पैसे मिले। एसओई एजेंट्स को पकड़वाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिलते थे, पर रहने को कुछ खास नहीं मिला। तो उसने नूर को जर्मन्स को बेचकर
बहुत ही घाटे का सौदा किया था। जो लोग इंसानियत भूल चुके थे वो इंसान को इंसान की तरह मार भी कैसे सकते थे। नूर को पेरिस के एवेन्यू फॉर्श में रखा गया। वहाँ काफी सारे एसओई एजेंट्स को रखा गया था। 84 एवेन्यू फॉर्श एक 5 मंजिला इमारत है, काफी बड़ी और खूबसूरत। उसकी 5वीं मंजिल पर एजेंट से पूछताछ की जाती थी और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। वो लोग मुझसे कोड की चाहते थे जो मैंने उन्हें देने से इनकार कर दिया। नतीजा उन्होंने मुझे इतना मारा कि फिर मुझे किसी रात नींद नसीब नहीं हुई। एसओई एजेंट्स को पकड़ने के बाद एब्वेयर और गस्तापो उनके वायरलेस सेट से ब्रिटेन से संपर्क करते थे एसओई एजेंट्स बनकर। उनके पास नूर की कोड बुक भी थी। मेरी कोड बुक उनके हाथ लग गई थी। उन्होंने उसे इस्तेमाल कर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को गलत मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया। मार्क्स ने कहा था कि जिस दिन मेरे सेट से 18 कैरेक्टर्स का मैसेज आएगा वो समझ जाएंगे कि मैं खतरे में हूँ। मैं इंतज़ार करती रही कि जर्मन्स ऐसी गलती ज़रूर करेंगे और उन्होंने की भी, पर मेरी बदकिस्मती और लंदन की लापरवाही ये मैसेज लियो मार्क्स तक पहुँचा ही नहीं। वो लोग नूर के कोड को तोड़ पाए और नूर बनकर ब्रिटेन को मैसेज भेजते रहे। तो काफी महीनों के बाद ही असल में एसओई के हेडक्वार्टर्स को पता चला कि नूर पकड़ी गई थी। इस दौरान जो भी ब्रिटिश एजेंट्स फ्रांस में पैराशूट से आए सभी जर्मन ऑफिसर्स के द्वारा पकड़े गए। जब बहुत समय तक कुछ नहीं हुआ तो मैंने बच निकलने के दूसरे तरीके सोचे। मैं उस जेल में अकेली कैदी नहीं थी। नूर ने कई बार भागने की कोशिश की। एक बार तो खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब भी हो गई पर पकड़ी गई। दूसरी बार वो जॉन स्टार एसओई एजेंट और कर्नल फे फ्रेंच प्रतिरोध मेंबर तीनों खिड़की के रॉड्स काट कर जेल की छत पर पहुंच गए और वहां से भागने की कोशिश की। पर यहां भी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। गलत टाइम पर एयर रेड सायरन बज उठा, कैदियों की अटेंडेंस ली गई और हम तीनों पकड़े गए। बार बार भागने की कोशिश करने की वजह से नूर से कहा गया कि वो एक डिक्लेरेशन पर साइन करे कि वो फिर भागने की कोशिश नहीं करेंगी। जॉन स्टार ने साइन किया पर नूर ने मना कर दिया। उसने कहा भागने की कोशिश करना उसकी ड्यूटी थी। बात का भी प्रमाण मिलता है कि जिस रात उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया उसे रेप किया गया।
विलायत जब बहुत एजिड थे, जब गुजर जाने से पहले मुझे ये बताए कि मेरे लाइफ में मुझे एक ही रिग्रेट है कि मैं एज अ सूफी मुझे माफ़ करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ माफ़ नहीं कर सकता हूँ और वो है मैं रेने को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। नूर को डकाओ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, अकेले जेल में रखा गया। उसे वहां लाने के दूसरे दिन ही उसे गोली मार दी गई। ऐसा कहा जाता है कि उसके आखिरी शब्द थे आजादी। Indians do, you know, support the British and do very brave things in this war and get a lot of gallantry awards and recognition, it will put ye Britishon pe pressure dalegi ki wo hame freedom de de. So that was also one logic of hers ki agar humne British ke liye itna sacrifice kiya to fir unko hame azadi deni padegi. Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.